उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में नाव हादसे पर इस मामले में संज्ञान लिया है, जांच का आश्वासन और जांच की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर और डीएम एसपी को घटनास्थल पर जाने का निर्देश भी दिया है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी बुलाने का निर्देश दिया है। कल ही दरअसल यह हादसा हुआ था उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके जिला गोंडा में, जहां पर एक नाव पलट गई थी और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मगर आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को देखा, इस मामले पर संज्ञान लिया और दिशा निर्देश नए तरीके से जारी किया गया है। ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर आज दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सारी एजेंसीज को घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए और इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। मगर इस मामले को लेकर के जिला गोंडा के डीएम क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। आज एक 100 नंबर से हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद अयोध्या की तरफ से, रुधौली की तरफ से एक नाव जो है मिडस्ट्रीम नदी के बीचों बीच कैप्साइज कर गई है, वो डूब गई है। यहाँ पर एक पॉन्टून पुल का निर्माण हो रहा था, अस्थाई पुल का, तो उसी से टकराने की वजह से बताया गया कि वो बोट डूब गई है। जो प्रारंभिक हमें सूचना मिली तो उसमें यह जानकारी मिली थी कि 4 से 5 लोग डूब गए हैं। जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे, मेयर कप्तान साहब, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर निकाले जा चुके थे। कुछ लोग अपना जो तैराकी जानते थे वो तैराकी के ज़रिए बाहर भी निकल गए थे। अभी हमें एक डेड बॉडी बरामद हुई है, जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय एली परसौली में अध्यापक थे, जो रुधौली जनपद अयोध्या के रहने वाले थे, डेली आते थे। और 3 लोग अभी यहाँ पे एली परसौली गांव के हमारे अभी नहीं मिले हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी तैनात करी गई है और बाकी फ्लड कंपनीज भी पहुँच गई हैं। लगातार जो हमारी नौकाएं हैं उनके ज़रिए उनको भ्रमणशील किया गया है, कहीं ना कहीं उनकी तलाश की जा सके, अगर जिंदा हो तो उनको बचाया जा सके। यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी तैनात करी गई हैं और सभी राहत की सामग्री भी यहाँ मौजूद है, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी रिकवर किया जा सके, और अगर उनके बचे हों तो उनका प्रारंभिक उपचार भी किया जा सके।